बिहार बीजेपी का लोजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक 4-1 फॉर्मूले के आधार पर भाजपा ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को मना लिया है। बिहार में चिराग की पार्टी को लोकसभा की कुल 4 सीटें मिलेंगी, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट भी चिराग को दी जा सकती है। बुधवार को दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। चिराग ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की फोटो भी शेयर की। जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं, उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की। सूत्रों के अनुसार अब पशुपति कुमार पारस के खाते में सिर्फ समस्तीपुर की सीट ही दिए जाने की बात सामने आई है। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर एनडीए की तरफ से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।